देखिए गेट नंबर एक पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से पीएम के मूवमेंट की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों का जमावड़ा साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। मैं एक बार कैमरे की नजर से आपको दिखाऊंगी कि लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पीएम कब आएंगे, पीएम का ये दौरा है तो पीएम कितने बजे मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन कब करेंगे, क्या पीएम कोई रोड शो भी करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। ये उत्सुकता इस गेट पर भी लोगों के मन में है और लोग बार बार इसका जिक्र भी करते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से बार बार इस जगह पर चेकिंग की जाती है, बार बार यहां पर आकर हमसे भी कई बार पूछा जाता है, कई बार डिटेलिंग ली जाती है क्योंकि पीएम का ये दौरा है। तो ये तो रही बात इंतजामों की, ये तो बात रही उत्सुकता की। जो पीएम के दौरे की सबसे खास बात समझी जा रही है वो समझी जा रही है ब्रज क्षेत्र में इसका असर। और ये ब्रज क्षेत्र जब मैं कह रही हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये राजस्थान तक सीमित है। मनीष, भरतपुर में जब पीएम रैली कर रहे थे तो पीएम का वो बयान भी याद करिए जब पीएम ने कहा था कि ब्रज क्षेत्र का उन्हें विकास करना है, और आज जब वो मथुरा पहुंच रहे हैं तो ये उम्मीदें जितनी यूपी को हैं उतनी ही उम्मीदें राजस्थान को भी हैं। और जाहिर सी बात है मतदाता ये सोचकर भी वोट देने के लिए निकलेगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए बांके बिहारी की जय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था, और बांके बिहारी की जब बात हो जाती है तो भरतपुर हो या पूरा ब्रज क्षेत्र हो, हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनना चाह रहा था और उनके सेंटिमेंट से कनेक्ट भी हुआ था। चूंकि देखिए भरतपुर का और ब्रज का कई हिस्सा है वो डांग क्षेत्र में भी पड़ता है, और डांग क्षेत्र की भी चर्चा भी हुई है कि भाई इसका विकास बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि धौलपुर करौली में कई ऐसे डांग क्षेत्र आते हैं, और जब आप वहां पर पूरे ब्रज क्षेत्र की आप बात करते हैं तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में भी कहा, अमित शाह ने भी यहां पे कहा कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पूर्वी राजस्थान में जो तमाम जो मुद्दे हैं बड़े दिनों से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, विकास की गति बहुत तेजी रफ्तार से दौड़ेगी। तो इन सब बातों को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद जहां जहां गए तो पूर्वी राजस्थान के बारे में एक दो बार जिक्र किया, नाथद्वारा में तो दो बार जिक्र किया था, आप देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सिरोही जब वहां ट्राइबल एरिया में थे वहां पर भी जिक्र किया था। तो आज जब मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ब्रज क्षेत्र और ब्रजवासी यहाँ के लोग वहां पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं। चूंकि प्रचार थम जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो आप देखिए इसका सीधा जुड़ाव राजस्थान के चुनाव से होता है, और पूर्वी राजस्थान का ही मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, पूर्वी राजस्थान ही इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसका मैसेज और इससे फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिल सकता है कि जब ब्रज भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे अगर कोई उत्तर प्रदेश में सौगात देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं फायदा राजस्थान में होगा, और ब्रज के क्षेत्र के लोग ये सुनना चाहते हैं कि ब्रजवासियों को सौगात क्या मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कर रहे हैं, जब हम बात काना नगरी की कर रहे हैं तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ राजपूत वोटर्स या यादव वोटर्स तक सीमित नहीं रहेगा। मनीष, सनातन का मुद्दा बहुत बड़ा राजस्थान में उठाया गया बीजेपी की तरफ से, तमाम सनातनियों के लिए भी एक बड़ा दौरा पीएम का ये होने जा रहा है चुनावों के लिहाज से। जी हाँ बिल्कुल, एक सनातन बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप देखिए सनातन के मुद्दे को लेकर पूरे बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर अटैक कर रही है। जयपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, हनुमान जी की गदा लेकर खुद वहां के हवा महल के जो बाल मुकुंदचार कैंडिडेट है वहां पर पहुंच गए थे, कन्हैया लाल की बात हो रही है, सनातन के मुद्दे को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, और जब सनातन की बात होती है तो लोग बड़ी ऊर्जा के साथ बाहर निकलते हैं, बातचीत करते हैं, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान से होकर तुरंत जब मथुरा की धरती पर पहुंच रहे हैं तो एक ये सनातन का एक बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के सेंटिमेंट से कनेक्ट होगा। और बार बार जब ब्रज की बात होती है तो ब्रज में एक सनातन का बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि करौली में जो दंगा हुआ उसके बाद कानून व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल हुआ, करौली में दंगे होने के बाद ब्रजवासियों में बहुत ज्यादा नाराजगी हुई थी कि करौली में इस तरीके का दंगा कभी देखने को नहीं मिला, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में इतनी सभाएं की तो उन्होंने करौली का नाम जरूर लिया कि करौली में दंगा हुआ था। जयपुर में भी आके यहाँ पर इस तरीके की बात हुई, सभाओं में करौली का बार बार जिक्र हुआ जो कि ब्रज क्षेत्र आता है। तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से इन चुनावों में उठाए गए हैं, और आज आखिरी मौका चुनाव प्रचार का रहा मनीष, और पीएम अपनी आखिरी रैली को खत्म करने के बाद सीधा मथुरा ही पहुंच रहे हैं। अब से तकरीबन आप कह सकते हैं आधे घंटे बाद पीएम मथुरा में होंगे और बांके बिहारी यानी कि कान्हा की नगरी में आकर वो कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा के दर्शन करते हुए भी नजर आएंगे।